हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको नोटपैड का फुल ट्यूटोरियल बताएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे रन में आ जाएगा, लिखेगा नोटपैड, इंटर कर दीजिएगा, खुल जाएगा। और सबसे ऊपर जो होता है आपका अनटाइटल, जहाँ लिखा हुआ है, और नोटपैड, यहाँ इसे टाइटल बार कहा जाता है। और तीन बटन होता है टाइटल बार में, मिनिमाइज, मैक्सीमाइज, क्लोज। मिनिमाइज करते हैं तो ये आपके स्क्रीन से टास्क बार में आके शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ से सिंगल क्लिक करते हैं फिर दोबारा हमारा स्क्रीन पर आ जाता है। मैक्सिमाइज जब करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाता है, और दोबारा अगर ये मैक्सिमाइज बटन आपके रिस्टोर बटन में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा रिस्टोर जब करते हैं तो ये मैक्सिमाइज बोलता है करने के लिए, और ये क्लोज होता है, जो क्लोज करते हैं पूरी तरह इसको बंद कर देता है। उसके बाद आपका होता है ए, देखा जाए तो मेनू बार होता है, टोटल 5 मेनू हैं, देख सकते हैं। अल्ट प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो यह नीचे अंडरलाइनिंग देखिए आ गया, इसे कहा जाता है हार्ड की के द्वारा हम खोल सकते हैं इसको। अल्ट प्लस एफ अगर करते हैं तो फाइल मेनू खुलेगा, अल्ट प्लस ई करते हैं तो एडिट मेनू खुलेगा, अल्ट प्लस ओ करते हैं तो आपका फॉर्मेट खुलेगा, अल्ट प्लस वी करते हैं तो व्यू खुलेगा, और अल्ट प्लस अगर एच करते हैं तो हेल्प खुलेगा। हॉट की होता है जो अल्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं पहले फाइल मेनू, और इसके नीचे पहले इसको पूरा इंटरफेस मान लेते हैं। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा था इसको इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है, बाकी जो ये होता है क्लाइंट एरिया होता है। और यहाँ पर ये अभी कोई स्क्रोल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रोलिंग जो होता है वर्टिकल स्क्रोल बार होता है, नीचे जो होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार होता है। अभी ये भी डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी, क्योंकि हमने कोई मैटर नहीं लिखा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा होता है फाइल में न्यू ऑप्शन, न्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन होता है, देख सकते हैं सामने दिखाई भी दे रहा है। और न्यू पर हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने ब्लैंक पेज मिल जाता है। अब इस पेज के अंदर कोई भी मैसेज को लिख कर सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैसेज हम कुछ लिख लेते हैं। हमने देखिए कंप्यूटर टाइप किया है, और इसे हम सेव करना चाहते हैं, सेव पे आएंगे, और जैसे हम सेव करने जाएंगे हमको यहाँ कोई नाम देना होता है, और हमने नाम दे दिया svguru, और हमने इंटर कर दिया। अभी फाइल svguru के नाम से सेव हो गया है। अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर अगला ऑप्शन आता है ओपन। ओपन हम जैसे करने जाएंगे हमारे सामने पुरानी फाइलों की लिस्ट आ जाती है, हमारे सामने जो भी पुरानी फाइलें बनी हैं उन फाइलों को में से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक आइडियल नाम से फाइल है, हम इसको ओपन करते हैं। तो अभी देखा जाए तो आइडियल नाम से फाइल यहाँ डिस्प्ले हो गया है, जिस पर आइडियल नोटपैड लिखा हुआ है, आइडियल कंप्यूटर इसके अंदर मैसेज लिखा हुआ है। अब इसे हम देख सकते हैं, ओपन करके कोई पुरानी फाइलों को पढ़ सकते हैं। अब इसका नाम अगर बदलना है तो सेव एज पे आएंगे, हम आइडियल के जगह पर गुरु कर देते हैं। अब ये नाम चेंज हो गया, ओके कर दीजिए। अभी यहाँ देखा जाए तो नाम बदल गया, गुरु नोटपैड हो गया है। नेक्स्ट हमारा अगला ऑप्शन आता है पेज सेटअप, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेज सेटअप। अगर हम यहाँ देखा जाए तो हम पहला हमारा जो पेपर साइज होता है लेटर के यहाँ देखा जाता है, हम यहाँ पर A4 पेपर ले लेते हैं, और जो हमारा हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत इसका इम्पोर्ट ज़रूरत पड़ता है। उसका जो हमारा सोर्स होता है ऑटोमेटिक होता है ऑलरेडी, उसके ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, ए पोर्ट्रेट है ऑलरेडी जहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू में दिखा रहा है, लैंडस्केप करेंगे तो वाइड में हो जाता है, ये लैंडस्केप में है। और जो मार्जिन अगर देखा जाए इसको चलिए पोर्ट्रेट कर देते हैं, अगर मार्जिन देखा जाए तो हम लेफ्ट में 0.5 छोड़ें और राइट में भी 0.5 और टॉप में 0.5 और बॉटम में 0.5। अभी होता कहाँ है, पहले लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है और ये टॉप होता है और ये बॉटम होता है। अब हम हेडर में हम पेज वन दे सकते हैं, और फुटर में नंबर वन या कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको इच्छा करे दे सकते हैं, हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ये पेज सेटअप होता है, इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला ऑप्शन आता है, उसको प्रिंट करना है। अगर प्रिंट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगर प्रिंटर लगा हुआ है, अगर है तो आप यहाँ से जैसे हमारे पास ऑलरेडी प्रिंटर इंस्टॉल है तो देख सकते हैं। अब प्रिंटर को हम कितना पेज चाहते हैं, अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही पेज है मैटर है, इसको हम आल करते हैं तो यही पे पूरा पेज निकल जाएगा। अगर करंट पेज करना चाहते हैं तो सिर्फ करंट पेज ही निकलेगा, फ़िलहाल एक ही पेज है
देखिए फिर निकलेगा, हम ऐसे प्रिंट कर देंगे, कितनी कापी चाहिए वो भी दे देंगे और रोक के कर देंगे यहाँ से प्रिंट, तो उतना फिर निकल जाएगा। ये प्रिंट ऑप्शन होता है। प्रिंट के बाद हमारा आपका अगला ऑप्शन होता है एग्जिट। एग्जिट से यानी बाहर आ जाते हैं, एग्जिट यानी जैसे हम क्लोज करते हैं पूरी तरह से हम बाहर आ जाते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है एडिट मेनू। एडिट मेनू देखा जाए तो अभी कोई भी ऑप्शन यहाँ हाईलाइट नहीं है, पहले अंडो कट कॉपी पेस्ट और डिलीट नहीं हाईलाइट है। अभी होता क्यों नहीं है हाईलाइट? अभी इसके अंदर कोई भी मैसेज हम जब लिखेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा एस पी गुरु, अभी देखा जाए हमने इसके अंदर मैसेज लिखा है, यहाँ देखिएगा तो अंडरलाइन ए अंडो हाईलाइट हो गया, यानी कंट्रोल जेड। अगर कंट्रोल जेड करते हैं तो कीबोर्ड से एक स्टेप वो मैसेज जो हमने लास्ट में लिखा था वो डिलीट हो जाता है। दोबारा अंडो करते हैं तो आ जाता है। ये नोट पैड में कार्य है। अगर ये आपको ही हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि वर्ड पैड में इसका कार्य क्या होता है, वहाँ पर इसका कार्य चेंज हो जाता है। नोट पैड में हम करते हैं, नोट पैड में करते हैं कंट्रोल जेड तो एक स्टेप बैक होता है, दोबारा करते तो आ जाता है। लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है, नोट पैड में कंट्रोल जेड करेंगे तो एक स्टेप बैक जाते हैं, वर्ड पैड में करते हैं तो एक स्टेप आगे जाते हैं। चलिए अगला हमारा ऑप्शन आता है कट। कट क्या होता है? कट यानी काटना। अब इसको हम सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं, तो सेलेक्ट हम डायरेक्ट माउस से भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से शिफ्ट दबा लीजिएगा और राइट वाला लेफ्ट वाला एरो दबाइएगा, एक एक करेक्टर करेगा। अगर एक एक वर्ड करना है तो कंट्रोल के साथ करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक एक वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट हो गया और एडिट में जाते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। हम जैसे कट करते हैं अब हमको जहाँ रखना होगा मैसेज उस कट की और उसे हम कहीं भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम यहाँ कर्सर हैं, हमने यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ हम रखेंगे। एडिट में दोबारा आते हैं, हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी देखेंगे ये हमारा मैसेज ऊपर से कट होकर नीचे आ चुका है। ये कट होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, ये मूव यानी होना, ये कट होता है। चलिए हम दूसरा तरीका दूसरा देखते हैं। अगला कमांड अगला कमा कापी आता है, कापी यानी उसी का एक बिल्कुल कापी बनाना। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिट में जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हम उन्हें कॉपी किया, हम उसी मैसेज को यहाँ इसके बगल में रखना चाहते हैं एस वी गुरु के। दोबारा हम आएँगे एडिट में और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखा जाए तो इसी का बिल्कुल एक कॉपी बना दिया, यानी बिल्कुल एक डुप्लीकेट, ये होता कॉपी। नेक्स्ट हमारा कमांड आता है पेस्ट, यानी पेस्ट हम बार बार कर सकते हैं। एक बार कॉपी करने बाद पेस्ट हम धीरे धीरे कर सकते हैं। अगला कमांड हमारा था डिलीट, यानी इसको हम डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए और एडिट में जाइएगा, यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। फाइंड, फाइंड मीन्स होता है खोजना। हम सबसे पहले यहाँ कर्सर को हम स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे और एडिट में आएंगे, फाइंड पर आ जाएंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल एफ से तो आप आ सकते हैं। यहाँ हमारा अगला ऑप्शन आता है, इसके अंदर जो भी मैसेज हमको फाइंड करना है उसको हम टाइप करेंगे। हमने टाइप किया आइडिया, आइडियल जैसे हम फाइंड करते हैं तो यहाँ हाईलाइट हो जाता है, देख सकते हैं। और दोबारा नेक्स्ट करते हैं तो जहाँ रहेगा अगला अगर हमारे पेज में है तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट दिखा देगा। अगर इस चीज़ को अभी डाउन आए अभी नेक्स्ट नहीं बताएगा क्योंकि ये कैन नॉट फाइंड, इसका अगर नहीं है मैसेज, हम जैसे इसको ऑफ कर देते हैं। अभी फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये बता दिया, फिर दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह हम कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट, यानी वही चीज़ दोबारा खोजना। हमने फाइंड नेक्स्ट में जब चेंज हम कर देते हैं तो नहीं खोजता है ये। यहाँ पर देखिए इसको हम डाउन कर देते हैं, चलिए देखते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट यानी दोबारा खोजना। कर्सर को यहाँ रख दीजिएगा स्टार्टिंग में और फाइंड में आइएगा और यहाँ पर जो भी आप फाइंड किए रहेंगे उसे नेक्स्ट करेंगे तो बताएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो बताएगा। ये होता है फाइंड नेक्स्ट का वर्क। फाइंड नेक्स्ट का रिप्लेस करना, यानी हम आइडियल की जगह पर कोई दूसरा वर्ड चाहते हैं, हम आइडियल की जगह पर एस पी चाहते हैं, तो हम जैसे ही रिप्लेस करते हैं तो यहाँ देखा जाए तो रिप्लेस हो चुका है आइडियल की जगह पर। रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे हो चुका है, ये रिप्लेस का कार्य होता है।
गो टू यानी जाना, कंट्रोल फ्लो जी हमको जाना है लाइन नंबर 5 पर, हम इंटर कर देंगे, हम लाइन नंबर 5 पे आ चुके हैं। यहाँ देखा जाए तो और सेलेक्ट आल यानी पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी मैसेज रहेगा उसके अंदर। और सेलेक्ट आल होने के बाद इसको हम डिलीट वगैरह कट कॉपी कर सकते हैं, जो भी एक्शन लेना आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला कमांड हमारा आता है एडिट में टाइम एंड डेट। टाइम डेट में आएंगे तो जो भी हमारे सिस्टम में टाइम हो रहा होगा यहाँ देखेंगे वो चीज़ टाइम आ जाएगा, यानी 2:45 हो रहा है, 2:45 और 24/3/2020 को आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा कमांड आता है वर्ड ड्राइव। वर्ड ड्राइव का कार्य क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। वर्ड ड्राइव में अगर यहाँ मैसेज लिखे हैं, इस मैसेज को थोड़ा हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और इसी मैसेज को हम यहाँ कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, दोबारा हम आते हैं कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। अभी वर्ड ड्राइव चेक है इसलिए हमारा जो भी मैसेज सामने डिस्प्ले हो रहा है, अभी वर्ड ड्राइव को अनचेक करते हैं तभी जो भी मैसेज हमारा एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। अभी एक ही लाइन में डिस्प्ले होता है इसका एक कार्य ये होता है, हम यहाँ कंट्रोल भी करते जाएंगे, कंट्रोल भी करते जाएंगे, हमको ये नहीं मालूम होगा हमने कितना मैसेज टाइप किया है। यहाँ देखेंगे स्क्रोल बार ये आ चुका है, अब इस स्क्रोल बार का सहारा लेकर हम जा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कितना मैसेज टाइप किया है। तो ये काफ़ी समय लगेगा इसको देखने के लिए, तो हम इसलिए हम उस समय वर्ड ड्राइव को चेक कर देते हैं। वर्ड ड्राइव जब चेक करते हैं तो जो भी मैसेज इसके अंदर लिखे होते हैं सारा मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। ये होता है वर्ड ड्राइव का कार्य। नेक्स्ट हमारा फॉन्ट आता है, अभी फॉन्ट को हम यहाँ बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है, नॉट इज फाइंडिंग। तो फॉन्ट को यहाँ से बदलना है तो बदल सकते हैं, यहाँ प्रीव्यू में सैंपल में दिखाएगा जो भी फॉन्ट हम चुनेंगे उस फॉन्ट में हमारा पूरा मैटर चेंज हो जाता है। यहाँ से हम बोल्ड इटैली बोल्ड भी कर सकते हैं और साइज को भी बढ़ा भी सकते हैं, और इसको जैसे हम ओके कर देंगे तो हमारा मैटर टोटल चेंज हो जाता है, देख सकते हैं। ये होता है फॉर्मेट में फॉन्ट का। नेक्स्ट व्यू आता है, व्यू में देखा जाए तो व्यू में स्टेटस बार डिस्प्ले होता है, जो नीचे एक पट्टी होती है, अभी इसके अंदर हाईलाइट नहीं है तो यहाँ डिस्प्ले होता है। और ये लास्ट हमारा हेल्प आता है, हेल्प लेके कोई भी हेल्प ले सकते हैं, तो हम यहाँ से कोई भी हेल्प ले सकते हैं, जो भी हेल्प लेना हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से हमारे नोट का समाप्त होता है।